एक ओर सरकार पंचायती राज स्थापित करके ग्रामीण तबके तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं जमीनी हकीकत पर नजर दौड़ाई जाए तो सरपंच सचिव की मनमानी चरम पर जा रही है। मामले को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, जहां एक व्यक्ति ने जिला जनपद में आवेदन देकर इस बात का खुलासा किया कि ग्राम पंचायत महकमा प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से शासन को चूना लगाकर लाखों की राशि गबन करके अपना घर भर रहा है। दरअसल मामला जिले की सेगांव पंचायत का है, जहां धीरज मिश्रा ने सरपंच सचिव और उप सरपंच पर आरोप लगाते हुए इस बात का खुलासा किया कि पंचायत की आड़ में अवैध दुकानों का निर्माण करके तुगलकी फरमान के साथ लाखों रुपए की बंदरबांट चल रही है। इस दौरान शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि प्राथमिक सुविधाओं पर खर्च होने वाली राशि को पंचायत महकमा अपने निजी स्वार्थ के काम में ले रहा है। इधर पंचायती आवेदन प्राप्त होने के बाद मौका मुआयना करने पहुंची जनपद पंचायत सहायक यंत्री ने बताया कि जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेगी। उधर उप सरपंच महोदय मीडिया से रूबरू होकर पंचायत की कड़की दूर करने की बात कहते दिखाई दिए। दरअसल निश्चित तौर पर मामले में अब देखने वाली बात होगी कि आवेदन को उठा गए मुद्दे पर न्याय मिलेगा या पैसे के दम पर पंचायत महकमा जांच को निराधार साबित करेगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये कॉम्प्लेक्स का मामला ये है कि 25 दुकानें इन्होंने 5/10/2017 को 25 दुकानें यहाँ नीलाम की। 25 दुकानें नीलाम करने के बाद विज्ञप्ति का अर्थ होता है एक समय सीमा, और 25/10/2017 को इन्होंने नीलाम करने के बाद 25 दुकानें, उसके बाद दुकानों का काम रोक दिया गया। दुकानों का काम रोक दिया गया, विज्ञप्ति की समय सीमा ख़त्म हो गई है, तो ये 25 दुकानें तो इन्होंने वैसे ही समाप्त तो हो गई है। ये 25 दुकानों अगर इनको करना है तो फिर से परमिशन लेकर ये 25 दुकानें बनाते हैं। ये जो दुकानें हैं भोले भाले घुमटी वालों को इन्होंने हटाया है, 70,000 रुपए उनसे लिए हैं, न 70,000 की उनको रसीद दी है। वो बेचारे कल अगर कोई सरपंच बैठा और अगर ये पक्की दुकान है और सरपंच ने अगर इनसे कभी मान लो कि कोई सरपंच ने अगर इनसे मान लो राशि मंगी कि भैया आपको पक्की दुकान है हमको तो राशि चाहिए, तो 2 लाख की 3 लाख जो भी ये कहाँ से देंगे, इनके पास कौन सा प्रूफ है। तो हमारा ये कहने, और पीछे की जो दुकान बन रही है अवैध दुकानें बन रही है। ग्राम पंचायत क्या करती है कि दुकानें बना लेती है, 51-10 लाख रुपए उनसे ले लेती है और 51,000 की रसीदें दे देती है, तो ये कैसे 22-23 लाख का बिल नहीं भर पा रहे। गांव की सुचारू रूप से, गांव में जो सुचारू रूप से जो है व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, फिर भी ग्राम पंचायत पर पैसा, मतलब सरपंच और उप सरपंच और जो सचिव आया नया, ये सचिव इतना भ्रष्ट है, 54 महीने ये निलंबित रहा है दुकानों के मामले में, फिर भी दुकानें बनाया जा रहा है। ये कह देता है कि पहले सचिव ने सब करा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि वर्तमान में तो यही सचिव है, जवाबदारी इसी सचिव की बनती है। मेरी ये मांग है शासन से कि सचिव को सबसे पहले यहाँ से हटाया जाए, ये दूसरी पंचायत है, या सचिव पर कार्रवाई कर उसको बर्खास्त किया जाए। टोटल कितनी दुकानों का काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल कम से कम मेरे हिसाब से यहाँ पर कम से कम 30-40 दुकानों का काम चल रहा है। और एस्टीमेट कितने का है? एस्टीमेट मात्र 8 दुकानों का है। उप सरपंच का कहना है कि ये व्यक्ति द्वेष के कारण शिकायत की गई और व्यक्ति द्वेष की भावना से। मेरा कोई व्यक्ति द्वेष भावना नहीं है, मैं ग्राम पंचायत से मेरा न कुछ किसी प्रकार का कोई संबंध है, मैं इस गांव का नागरिक हूं, मैं 5 साल पूर्व सरपंच रहा हूं, 5 साल इस ग्राम पंचायत में पंच रहा हूं। मेरा ये मूल उद्देश्य है कि गांव में सुचारू रूप से अच्छे काम हो, ये भी काम करना, ये दुकानें भी आपको देना है तो इसको नीलाम किया जाए, वो दुकानें भी आपने 51,000 की रसीद लेकर जो दुकानें आपने कन्या छात्रावास के वहाँ दी है वो भी नीलाम की जाए, ताकि ग्राम पंचायत की आय बढ़े। जो आपने सुलभ शौचालय के वहाँ 60,000 रुपये लेकर जो दुकानें उनको बिना रसीद दी है, उन दुकानदारों को भी रसीद दी जाए। ये 70,000 में जो दुकानदारों को दुकानें दी है इनको भी 70,000 की रसीद दी जाए, ताकि ये मेरे गरीब दुकानदार बाद में मरे नहीं, क्योंकि ये तो 2-3 महीने बाद चले जाएंगे। ये अभी प्रधान है, इनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पैसे खाने के लिए यहाँ के अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं। इतने भ्रष्ट अधिकारी मैंने आज तक नहीं देखे हैं। इसकी शिकायत करी आपने? मैंने इसकी शिकायत जिला पंचायत, कलेक्टर महोदय और भोपाल भी इसकी शिकायत की है।
क्या कार्रवाई हुई आज तक? कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा मैंने भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन आज तक नहीं देखा, जबकि तुरंत प्रभाव से ये काम बंद होना चाहिए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सीओ महेश पाटीदार के पास जाते हैं, वो इतना भ्रष्ट सीओ है, मैंने ऐसा सीओ आज तक नहीं देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धीरज मिश्रा। जो जांच दल आया हुआ है जनपद से, वो शिकायत करता हूँ, जो शिकायत थी हमारे यहाँ पूर्व में बस स्टैंड पर जो शौचालय बना हुआ था, काफ़ी खराब स्थिति में था वो, और पूर्व से घूमकियाँ और सब लोगों के व्यवसाय जुड़े हुए थे, उसको देखते हुए ग्राम पंचायत ने सुलभ शौचालय व्यवस्थित बनाया, दुकानदारों ने उनकी दुकान भी वापस लगवाई और वहाँ पे रास्ता भी निकाला है, आप जाके देख सकते हो बना है। लेकिन शिकायत करता कि वो पैसे चाहिए उनको, और उनके कार्यकाल की जो जांच होगी वो मैं सब सब कर रहा हूँ, और उन्होंने क्या कर रखा है ये भी बताऊँगा सर। ये किस निधि के तहत कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं? ये जो शौचालय का जो बना है, शौचालय 14 से बना है, और जो दुकान निर्माण अभी जो चल रहा है वो पंचायत में नहीं, ग्रामीणों का आरोप ही है, उन्हें ग्रामीणों का आरोप कोई नहीं है, ग्रामीण आरोप नहीं लगा रहा है, आरोप लगा रहा है एक व्यक्ति पूर्व से पद पर रह चुका है, तो उसके जितने भी घोटाले हैं वो अवैध बता रहे ना, अवैध दुकान। अवैध क्या होता है, पंचायत जमीन कोई बेचती नहीं है, पंचायत जमीन लीज पे देती है और किराए देती है, पंचायत को अधिकार नहीं जमीन बेचने का। नहीं, पंचायत जो राशि है वो किस मत के तहत कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है? पंचायत पंचायत की दिशा करे, और पूर्व में जैसे पंचायत उसकी आय बताया है, वो पंचायत में आय नहीं है और बिल बकाया है, कम से कम 23 लाख का बिल उधर बकाया है और इधर करोड़ों का कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो कर रहे हैं, कम से कम जितना कर्जा हमारे पे है और जितनी लोगों को देना है वो पैसे की आवक हो, हम बिल भरें। आप क्या मानते हो कि ये शिकायत है? ये सब सारे आरोप निराधार है और व्यक्तिगत दिवस के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ें गाँव के विकास कार्यों में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाँव के बस स्टैंड की हालत इतनी बेकार थी, आप गाँव में जाके पूछो, अभी वहाँ पेवर्स लग गए हैं, पेवर्स लगे हैं, व्यवस्थित शौचालय बना है, तो लोगों का लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है, तो गाँव के विकास में आगे आना चाहिए, ना कि शिकायत करना चाहिए। हम लोग 4 सदस्य जांच के लिए आए हैं, शिकायत में सुलभ शौचालय है, पेवर्स की शिकायत है, दुकानों की शिकायतें हैं, उनके सारे दस्तावेज अभी हम ग्राम पंचायत द्वारा दे रहे हैं। किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर शिकायत थी और आपने मौका मुआयना कर लिया क्या यहाँ पर? मौका मुआयना अभी किया नहीं है, अभी इनके दस्तावेज ले रहे हैं, उसके बाद फिर मौका मुआयना किया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.